करते हैं। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्राइसेस इसका प्लूरल है, ठीक है। जी सर, मैट्रिक्स इसको, एक को मैट्रिक्स बोलते हैं और एक से ज्यादा जब होता है तो उसको मैट्राइसेस बोलते हैं। सेम सेम जैसे हम लोग सेट पढ़े थे, अभी सेट पढ़े थे ना, इससे पहला वाला चैप्टर हमारा सेट था। तो सेट में क्या था, हम ऐसे ब्रैकेट दे के लिखते थे। क्या लिखते थे, कोई खास ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखते थे। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ जी यू, ये ग्रुप हो गया। जी लेकिन सेट और मैट्रिक्स में यही फर्क है कि सेट में हम सिर्फ एक ग्रुप को लिख सकते हैं, ठीक है, ओनली वन ग्रुप, किसी एक खास ग्रुप का के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है, हम 1 2 3, ठीक है, जितने चाहें उतने ग्रुप्स के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने लिखना चाह है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का डेली का काम, ठीक है, डेली कितना घंटा काम करते हैं, तो ये हमारा हो गया मजदूर सब, पहला दूसरा तीसरा मजदूर, ऐसे करके हम कितने भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये डेज हो जाएगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ठीक है, ऐसे करके हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, ये ऐसा रहता है ये, ठीक है, इस तरह से हम, अगर किसी ने काम किया होगा तो उसको पता होगा, एक्सेल में हम लोग इस तरह का बनाते हैं कि किस मजदूर का कितना डेली का काम, कितना घंटे काम किया, ठीक है, इस तरह से। तो यही फर्क है सेट्स और इसमें, यही फर्क है मैट्रिक्स और सेट्स में। मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि क्या जी इस्तेमाल है सर, इसका, ठीक है। ये तो बहुत मामूली सी बात बताए हैं, बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है, इस्तेमाल तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल, अगर ऐसे देखेंगे हम तो इसको हम रोज बोलते हैं, रो, ठीक है, और अगर इधर से देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलम, ठीक है, रोज एंड कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे कि सेट्स में हम एलिमेंट से जानते थे कि कितने एलिमेंट्स हैं, उसी तरह हम मैट्रिक्स का नाम, मैट्रिक्स की पहचान हम किससे करते हैं, ऑर्डर से, ठीक है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी से हमको पहचान में आता है। नाम तो ये हो गया आपका ए, मैट्रिक्स ए हो गया, लेकिन ये किस ऑर्डर का है। तो ऑर्डर डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर के लिए आपको रोज, कितने रोज हैं उसमें एंड कितने कॉलम्स हैं उसमें, ठीक है, कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, इसी से आपका उसका ऑर्डर पता चलता है। तो अगर कोई पूछे कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स ए, तो क्या बोलोगे आप, नंबर ऑफ रोज देख लो, ठीक है, रोज इसको बोलते हैं 1 2 3, तो 3, और कॉलम कितना हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 by 3, जी यानी 3 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ में आ गया। जी सर, तो ये ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, ऑर्डर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, और ऑर्डर से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, और बहुत सारे ऑपरेशन ऑपरेशन समझते हैं ना, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे ऑपरेशन करने के लिए ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जी अभी बता दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं सर, मान नहीं आया सर आज। पता नहीं, जो नहीं आया उसको छोड़ो, आया था पता नहीं, ठीक है, जो आया है उसकी अपनी बात करो, जो नहीं आया जाने दो, आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, ठीक है, किसी के पीछे तो नहीं पड़ सकते ना आदमी, कोई काम होगा हो सकता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ में आ गया। देखो इसको इंग्लिश में इसलिए लिए हैं कि इसमें कुछ भी उर्दू टाइप का कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें उर्दू जी वर्ड का कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं है मैट्रिक्स में, ठीक है, इशारों इशारों में ही बात हो जाती है, तो बहुत ईजी है, बस इसका समझना ज्यादा जरूरी है, उर्दू से ज्यादा जरूरी है इसका कॉन्सेप्ट समझना, नया चीज है, ठीक है, तो उर्दू पे कम ध्यान देंगे, इस पर इसके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया ऑर्डर क्या होता है, अब हम देखेंगे कि
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, मैट्राइसेस कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है नंबर वन, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इट हैज ओनली वन रो। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स ए हो गया जिसमें सिर्फ रो है, ठीक है, रो मतलब कि सिर्फ एक लाइन है, 1 2 3 4, ठीक है, सिर्फ एक रो है। कॉलम कितने हो गए सर? 4 हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या ऑर्डर होगा इसका, कितने कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 4 by 1। सर 4 into 4, 4 into 4 नहीं सर 1 होगा, सर 4 सर 4 into 1 होगा, 4 into 1, 4 into 1 गलत है। मैंने क्या बोला, रो पहले लिखना है आपको, रो इनटू कॉलम, ठीक है। तो रो कितना है, 1, और कॉलम कितना है इसका, 4, ठीक है। तो 1 into 4 का ये, इस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया, समझ में। इसको 4 into 1 और 1 into 4, 4 into 1 और 1 into 4 दोनों में फर्क है, ठीक है जी। ये जो है 4 into 1 नहीं है, 1 into 4 है। 4 into 1 कैसा होगा, 4 into 1 कैसा होगा, 4 into 1 का जो होगा ये दूसरा हो जाएगा इस टाइप का। इसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, यानी 4 इसमें रो होंगे, 1 2 3 4, और कॉलम सिर्फ एक होगा, ठीक है, 4 रोज होंगे और एक कॉलम होगा। तो इसको, इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट वाला है हमारा, सेकंड वाला, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, और रो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें 1 2 3 हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, या कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम एक ही रहना चाहिए, ठीक, एक ही कॉलम जिसमें होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। थर्ड देख सकते हैं, थर्ड क्या है, मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 2 by 2 या 3 by 3 या 4 by 4, इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हम लोग स्क्वायर कैसे लिखते हैं, अगर 2 का स्क्वायर बोले तो क्या हो गया, 2 into 2, ठीक है, 3 का स्क्वायर बोले तो क्या हो गया, 3, स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ना, 3 into 3 मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बी, एम इंटू एन is said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zero, ठीक है, कोई भी diagonal matrix है, sorry, कोई भी square matrix हो सकता है, 2 by 2 या 3 by 3 या 4 by 4, कोई भी square matrix है, अगर उसके सारे elements यानी diagonal छोड़ के, यानी मान लो 3 by 3 का ले रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 by 3 matrix हो गया, ठीक है जी। अगर इनका कहना है कि अगर ये डायगोनल छोड़ के, ये जो डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाए, ठीक है, बाकी सब जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डायगोनल के अलावा जो भी है एलिमेंट्स वो सारे जीरो होंगे, इसके भी अंदर के चीज को एलिमेंट्स बोलते हैं, जितने भी ये नंबर्स हैं सबको एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है, जैसे सेट्स में बोलते थे, ओके जी सर।
नेक्स्ट है हमारा ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कब हो जाएगा जब डायगोनल ये सब सेम सेम हो जाए। ठीक है, टू 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 हो जाए। ठीक है, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal, that is a square matrix. B is said to be a scalar if, ठीक है, बाकी जीरो होना चाहिए। जी, डायगोनल में सेम रहना मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल, हाँ डायगोनल में सेम होना चाहिए तो हो जाएगा आपका स्केलर। डिफरेंट है तो हो जाएगा डायगोनल। ठीक है, और अगर वन है तो वो हो जाएगा कंडीशन से जीरो दोनों में रहेगा ना, जीरो तो रहेगा ये, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, सिर्फ डायगोनल की बात हो रही है। अगर डायगोनल डिफरेंट है, ठीक है, डायगोनल डिफरेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर कब बोलेंगे, जब सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम है तो स्केलर हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट है तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, और अगर डायगोनल वन है, ठीक है, वन है यानी ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, नेटवर्क इशू है सर, थोड़ा आनी बना आ रहा है इधर पे, इसलिए आवाज नहीं आ रही क्लियर। क्या किया जाए सर, आंधी मेरे इधर भी सर आता है, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा सर, हो रहा है आंधी, इधर भी बारिश हो रहा है, रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिएगा सर, रिकॉर्डिंग चालू सर, बारिश हो रहा है, ठीक है, YouTube पे डाल दीजिएगा सर, YouTube पे नहीं तो WhatsApp में भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, पहले अभी ध्यान से सुनो, आइडेंटिटी, तीनों मैट्रिक्स समझ में आया, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी सर, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, नाम से ही देखो याद रखने की कोशिश करो, नाम को रिलेट करा दोगे ना, नाम को रिलेट करा दोगे अपने मैट्रिक्स से तो याद रहेगा, नहीं तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, आज आज याद रहेगा कल भूल जाओगे। डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सब जीरो हो। ठीक है जी, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अगर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स बराबर हो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, इसी से निकला है स्केलर। अभी बराबर में भी अगर सब वन हो तो आइडेंटिटी, ठीक है, अच्छा कौन बता सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि नहीं, वाले अपना बंद कर लो भाई माइक, आवाज आपका नदीम सैयद नदीम साहब, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस सर बोल सकते हैं, यस सर बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त है कि डायगोनल वाला सिर्फ स्केलर बराबर होना चाहिए, डायगोनल के लिए कि डायगोनल वाला होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए डायगोनल में, तो डायगोनल इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर भी बोल सकते हैं, डायगोनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी तभी बोलेंगे हम जब डायगोनल में वन 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 हो, तभी हम बोलेंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब हमारे डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बराबर हों। ठीक है, तो हम स्केलर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? जी सर। ठीक है, आइडेंटिटी तक हो गया। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरोस। ठीक है, सेट्स में भी हम लोग पढ़े थे कि अगर जीरो है तो हम इसको अलग मानेंगे और ये फाई अलग होता है। ठीक है, जीरो सेट में जीरो नहीं होता है, मतलब जीरो मतलब कुछ भी नहीं होता है ना नंबर सिस्टम में, जीरो मतलब कुछ नहीं, जोड़ोगे तो
कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है, यहाँ पे मैट्रिक्स में और सेट्स में जीरो एक एलिमेंट माना जाता है, ठीक है, जीरो एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स एक ही है, सेट्स में नहीं था, ठीक है, सेट्स में अलग अलग था। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। नाइन्थ है टू मैट्रिक्स है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, देखो दो कंडीशन है, दो मैट्रिक्स के बराबर होने का दो कंडीशन है, ठीक है। क्या क्या है वो कंडीशन? पहला कंडीशन ये है कि दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है, और हर एक एलिमेंट ए का उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी, ठीक है, ये ए है और ये बी है मान लो, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो सेम बी का यही वाला एलिमेंट, ठीक है, वन पहले रो का, पहले रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट जो होगा सेम, इसी को बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सेम सेम होना चाहिए, यही इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये मान लो ये ऐसा है तो ये भी ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा है तो इसको भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है तो इसको भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जेड है तो ये भी सेम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी होना चाहिए, जो इसमें है वही सेम, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बराबर होना चाहिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सेम होना चाहिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सेम होना चाहिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। और दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ए का क्या ऑर्डर है? ऑर्डर बताओ, ए का कोई बताओ ऑर्डर, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए, बोलो भाई, किसी को नहीं समझ आ रहा है? टू इंटू टू इंटू टू, टू कहाँ है यार, टू इंटू कॉलम थ्री होगा, थ्री थ्री होगा सर, दो सौ तीन सौ का कॉलम ये भी है टू इंटू थ्री, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं, इसलिए ए मैट्रिक्स ए बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स बी के, ठीक है, समझ में आया? दो मैट्रिक्स कब बराबर हो सकते हैं, समझ में आया ना? दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे, बोलो भाई, कोई तो बोलो, कोई नहीं बोल रहा, फिर रिपीट कर दिए सर, रिपीट कर दे, सब लोग शर्मा रहे हो ना, सही शर्माना की क्या बात है ना, सुना जाएगा तो पूछे नहीं, ठीक है, वही तो कम से कम पूछ तो रहे हो तुम, बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, पूछना तो अच्छी बात है, ये सर रिपीट कर दिए, जो रिपीट कर दिया उसको बोल, रिपीट करने का ये है कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं, कब बराबर कहलाएंगे दो मैट्रिक्स, उसके लिए दो शर्त है, ठीक है। एक शर्त यह है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा शर्त यह है कि दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? तो जगह के हिसाब से, ठीक है, जगह, इसका जगह कैसे पता चलता है? इसका ये वाला कौन सा जगह होगा? ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ठीक है, ये रो है, ये कॉलम है। मान लो कि ये टू बाई टू का मैट्रिक्स है तो दो इसके रो होंगे और दो इसके कॉलम होंगे, ठीक है, दो दो इसके दो रो एक दो, ये दो कॉलम हो गए, एक पहला कॉलम ये रो और ये दूसरा रो, तो इसका जो पोजीशन होगा ये वाला कहलाएगा वन वन, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम है, इसका क्या कहलाएगा वन टू, क्या मतलब है वन टू का? पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक है, इसका क्या कहलाएगा टू वन, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, इसका क्या कहलाएगा जगह का नाम, कौन से प्लेस पे है ये, टू टू, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम, समझ में आ रहा है? Yes, ठीक है, तो ये अगर ये हो गया तो उसी तरह यहाँ पे बी का देखते हैं, बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन,
बी टू टू, ठीक है, वन वन के जगह पे जो भी चीज है ये वन वन के जगह वाले के बराबर होना चाहिए, ठीक है, वन टू के जगह पे जो भी है वो वन टू के बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। टू वन जो है इसके बराबर होना चाहिए, बराबर मतलब सेम होता है, और क्या होता है, बराबर मतलब सेम होता है, अब इसको बताना पड़ेगा क्या, इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब बराबर, ये सारे एलिमेंट्स अगर बराबर रहेंगे आपस में तभी जाके ए बराबर बी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं दो मैट्रिक्स 2x2 का और उसको हम बराबर कर देते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये हो गया ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हो गया आपका 1, 2, 3, 4 बराबर है दोनों, ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो क्या ये दोनों बराबर है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कोरस्पोंडिंग जगह अलग बराबर है दोनों सर, नहीं है नहीं सर, जगह अलग है ना सर, बराबर नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन अपने अपने जगह पे नहीं है सेम, ठीक है, ये वन ये वाला वन होना चाहिए, यहाँ पे वन होना चाहिए तब सेम होता है, यहाँ टू है तो यहाँ पे टू होना चाहिए, ठीक है, तो इसको अगर हम इसको सही करके अगर लिख दें इस तरह अगर लिख दें हम 1, 2, 3, 4 अब कहलाएगा ये बराबर, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स अब कहलाएगा ये, ओके, यस सर, समझ में आया, क्लियर है, जी सर हो गया, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, अब हमारा टाइप्स खत्म हो गया है, अब हमारा हो रहा है क्या हो रहा है, अब हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑपरेशन मतलब वही गुणा भाग जोड़, तो एडिशन के लिए क्या है, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, क्या मतलब हुआ, दो मैट्रिक्स तभी जोड़े जा सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, अगर ऑर्डर गलत मतलब सेम नहीं है मतलब बराबर नहीं है ऑर्डर, तो हम आप दो मैट्रिक्स को आपस में नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है, समझ में आया, 1, 2, 3, 4 ये एक मैट्रिक्स हो गया, बी एक मैट्रिक्स हो गया, 3, 4 ठीक है, इसका क्या ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, ऑर्डर बताइए, 2 into 2 ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 into 2 ठीक है, 2 into 2 बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर बताइए, 1 into 2 मैट्रिक्स बी का ऑर्डर बताइए, 1 into 2 सर, 1 into 2 यस, तो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को आपस में ए प्लस बी नहीं कर सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सीधा आंसर डी मारना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स दिया है ए प्लस बी अगर पूछ दिया तो सीधा डी लगाना है, इनमें से कोई नहीं, ओके, क्योंकि जोड़ ही नहीं सकते आप, ठीक है, जी सर, सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना सर, जोड़ के बाद इम्पोर्टेंट, हाँ भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जोड़ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का, ठीक है सर, डिटरमिनेंट भी पढ़ना होगा ना सर, इसमें जोड़ समझ में आ गया, पहले पढ़ो, एडवांस में चलते हो तुम लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है, स्केलर मतलब स्केलर किसको बोलेंगे, किसी भी नंबर को हम स्केलर बोल सकते हैं, ठीक है, स्केलर मतलब कि कोई भी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करना चाहें, ठीक है, तो मैट्रिक्स में कैसे मैट्रिक्स का दो तरह का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, एक होता है कि मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और एक होता है किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है,
समझ में आया, दो तरह का मल्टीप्लिकेशन समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एक होता है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ठीक है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इंटू बी, हम दोनों मैट्रिक्स का गुणन गुणनफल निकालना, ठीक है, गुणा करने का। और दूसरा होता है कि ए में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और इसको हमको गुणा करना है, मान लो फोर से इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन, यानी किसी भी नंबर से किसी एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि किसी एक नंबर से अगर हमको मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स में तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर कोई दिया हुआ मैट्रिक्स, कोई स्केलर के है, के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 भी हो सकता है, ठीक है। देन के ए इज अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय स्केलर। हम कुछ नहीं करते हैं, हम देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में हम सीधा बोल देते हैं कि अगर हमको ए में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या समझे, कोई बोलो, रिपीट करो, कोई कोई एक आदमी रिपीट करो भाई, रिपीट तो कर सकते हो। हाँ जी, 2 से गुना कर देंगे ए ए और किसी, अरे कोई तो रिपीट कर रहा है। हाँ, मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में, चलो चलो एग्जांपल से बताते हैं, तुम लोग बिना एग्जांपल के समझ नहीं आता तुम लोगों के, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स है 2x2 का, 1 2 3 4, ठीक है, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है, हमको मालूम करना है 4a क्या होगा, 4a इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करना कि जो भी आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स में आप, अब क्यों बोल रहे हो, जब हम बोल रहे हैं तो इतने देर से पूछ रहे तो बोले नहीं, अब हम बता रहे हैं तो फिर तुम बीच बीच में बोल लो। अब 4a हमको 4 से गुणा करना है पूरे मैट्रिक्स में, तो हम हर एक एलिमेंट में हम 4 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले ये पहला एलिमेंट है हमारा 1, तो 1 को क्या, 1 × 4, यानी 1 × 4 कर देंगे, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है 2, तो यहाँ पे 2 × 4 कर देंगे। तीसरा एलिमेंट है 3, यहाँ पे भी हम 3 × 4 कर देंगे। चौथा एलिमेंट है 4, इसको भी हम 4 से गुणा कर देंगे। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 3 = 12, 4 × 16, ठीक है। ये हमारा 4a आ गया, ये मैट्रिक्स हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। अभी तो समझ में आया, कोई बताओ जी सर, क्या करेंगे अगर गुणा करना है किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में, गुणा क्या करेंगे, रिपीट करो, कोई रिपीट करना जरूरी है। कोई एक आदमी समझाओ कैसे गुणा करेंगे किसी एक नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स में गुणा करना है तो क्या करेंगे। सर मैट्रिक्स में जितना डिजिट है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे करना होगा। मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में उस नंबर से गुणा कर देना होगा जिस नंबर से हमको मैट्रिक्स में गुणा करना है, ठीक है जी सर। क्लियर है जी सर। ओके, ठीक है। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, अब जैसे 5 एक नंबर है, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, 5 का निगेटिव क्या होगा, 5 का निगेटिव बताओ, 5 का निगेटिव क्या आएगा, -5 हो जाएगा, -5 होगा, सिंपल, ठीक है। तो उसी तरह कोई एक मैट्रिक्स है अगर उसका निगेटिव अगर कोई पूछ रहा है तो क्या क्या करेंगे, निगेटिव मतलब सारे एलिमेंट्स को हम -1 से गुणा कर देंगे। जैसे अभी हमने 4a निकाला था, ठीक है, a कोई था ना, 1 2 3 4, अब हमको निगेटिव ऑफ a चाहिए, ठीक है, माइनस ऑफ a चाहिए, तो क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स में -1 से गुणा कर देंगे, तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है जी। जैसे सर, किसी भी नंबर का अगर निगेटिव चाहिए होता है तो हम सिंपली उसमें माइनस जोड़ देते हैं, मतलब कि माइनस लगा देते हैं, तो इसी तरह सारे उसमें माइनस लग जाएगा। और अगर पहले से कोई माइनस है, मान लो ये -2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा जब इसका निगेटिव लेंगे हम, ठीक है। -5 का निगेटिव क्या आएगा, -5 का निगेटिव +5 आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का
किसी भी चीज का निगेटिव पूछने का मतलब होता है उसमें हम माइनस वन से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी नंबर है आपके पास, मान लीजिए चार है, अगर हम इसका निगेटिव पूछ रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हमको इसको गुणा करना है माइनस वन से। तो माइनस वन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस चार। कोई चीज ऑलरेडी माइनस चार है, इसमें हम गुणा करेंगे माइनस वन से तो क्या हो जाएगा, माइनस वन से प्लस हो जाएगा, प्लस का चार हो जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर का निगेटिव निगेटिव होता है और निगेटिव नंबर का निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, क्लियर है जी सर? ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक शर्त है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। कुछ समझ में आया किसी के? नहीं सर, इंग्लिश से याद है सर हम लोग को। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और बी है, देखिए इसके साथ जैसे जोड़ के साथ क्या शर्त था हमारा, ए प्लस बी अगर हम कर रहे थे तो क्या शर्त था वहां पे, बताओ कोई, अभी जस्ट पढ़े हो। दो शर्त था वहां पे, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए प्लस बी के लिए दो शर्त था, ऑर्डर जगह सेम होना चाहिए, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट और ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेम सेम वो बराबर के लिए था, दो दो चीज जो था वो बराबर के लिए था, ठीक है, वो बराबर के लिए था। ए और बी बराबर कब होंगे, जब दोनों सेम ऑर्डर होना चाहिए और सेम जगह पे होना चाहिए, दोनों सेम जगह के एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। अच्छा, जोड़ के लिए क्या था कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है, एक ही था कंडीशन, जोड़ने के लिए एक ही कंडीशन था कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। जोड़ के लिए क्या था, सेम ऑर्डर का नंबर, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए जोड़ के लिए था। लेकिन गुणा के लिए थोड़ा सा अलग है, और वो क्या है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो जो कॉलम ए का जो कॉलम है, यानी कि एक दो तीन, ए में कितने, ये कितने का मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर बताओ, ए का ऑर्डर बताओ, ए का ऑर्डर क्या है, अरे सिंपल बात है यार, तुम लोग को इतना टफ क्यों लगता है भाई, गिनती गिनना है यार, एक दो, रोज कितना है, यानी जो लेटा हुआ है, लेटे हुए को पहले लिखना है, तो कितना लेटा हुआ नंबर कितना है, कितना लाइन है लेटा हुआ, दो लाइन है, और खड़ा कितना है, तीन है खड़ा लाइन, एक दो तीन, तो दो गुणा तीन हो गया, ये लेटा हुआ है, ठीक है, उर्दू में लिख देंगे, ये लेटा हुआ है गुणा खड़ा है, ठीक है सर, वर्टिकल, सर वर्टिकल कॉलम होगी ना, जो खड़ा है उसको बाद में लिखना है, तो लेटे हुए कितने हैं, एक सर, और दो, और खड़ा कितना है, एक दो तीन, वो सर कॉलम हो गया, ये वाला हो गया, बड़े इंग्लिश दा हो के हम नहीं समझ पा रहे ना, कि इंग्लिश तुम लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है कि हिंदी समझ में आता है, ठीक है। जो वर्टिकल जो है, वर्टिकल इसको बोलते हैं, जो कॉलम हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलेंगे, रो, ठीक है, रो, इसको बोलेंगे हम कॉलम, कॉलम, ठीक है। घर भी बनाते हो तो देखते नहीं, जो पिलर डालते हो उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है, पिलर डालते हो कॉलम बोलते हैं ना, कॉलम सीधा नहीं है, कॉलम टेढ़ा हो गया है, कॉलम में मसाला भरो ठीक से, ठीक है। और रो को क्या बोलते हैं, घर बनाने के उसमें रो को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, इंजीनियर बनने वाले हो तुम लोग, नहीं ये तो हॉरिजॉन्टल तो उसका वो हो गया, घर जब बनाते हैं तो ऊपर ढालते हैं ना ऐसा, जैसे ये पिलर होता है खड़ा, जो आड़ा ढालते हैं उसको क्या बोलते हैं, छत के बीच में देखते हो जब बड़ा हॉल रहता है, हॉल के बीच में एक डालते हैं, मस्जिद में देखे हो के बीच में डालते हैं, छत के बीच बीच में, इसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, ठीक है, लिंटर, सर लिंटर, कॉलम, ये सिविल इंजीनियरिंग का, क्या बोले सर, लिंटर तो पूरे छत को बोलते हैं, छत में जो हम ऐसा बीच में डालते हैं ना, जिसके ऊपर छत टिका रहता है,
ठीक है, ऐसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, इस पूरे पे तुमको ढालना है, तो अगर बीच में यहाँ पे अगर ये चौड़ाई लंबाई अगर ज्यादा है तो बीच में तुमको एक बीम देना पड़ता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम देना पड़ता है। यहाँ पे तो तुम्हारा ये कॉलम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कॉलम रहेगा, यहाँ कॉलम रहेगा, यहाँ कॉलम, बीच में एक बीम रहेगा, जिसी इसी के ऊपर तो ये पूरा छत टिका रहता है, बीम और कॉलम पे, ठीक है। तो बीम आपका रो हो गया, कॉलम आपका कॉलम ही है, ठीक है। जी सर, क्या हुआ? हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो गुणा करने का जो शर्त है, गुणा कब होगा? जब ए का दो मैट्रिक्स में गुणा करना हमको, ए और बी में, तो ए का मान लो कि 2 × 3 है, ठीक है, ऑर्डर, तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो 3 × कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, यानी जो इसका कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। 3 × 4 भी होगा तो चलेगा, यस सर, 3 × 2 भी होगा तो चलेगा, 3 × 1 भी होगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है, जी सर, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि ए का है 4 × 5, ठीक है, ए का ऑर्डर है 4 × 5, तो बी का ऑर्डर कितना होना चाहिए? मल्टीप्लाई कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, तभी तभी ये जीरो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सर, जरूरी है। जीरो नहीं, हम एक्स बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब जीरो, इतना बड़ा जीरो नहीं होता, जीरो छोटा होता है, ठीक है, कुछ भी मतलब यहाँ पे कुछ भी होगा तो चलेगा, ठीक है, जीरो नहीं बोल रहे, ओके। अभी हम लोग गुणा करेंगे तो देखेंगे कि क्यों ऐसा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब हम गुणा करते हैं तो ये जो रो है ये कॉलम से गुणा होता है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसका रो इसके कॉलम से गुणा होता है, ठीक है, तो ये जब बराबर रहेगा तभी तो ये दोनों बराबर रहेगा तभी तो गुणा कर पाओगे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से, 3 को 3 से, ठीक है, ऐसे करके गुणा होता है, आगे देखेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं कि क्यों होना चाहिए ऐसा। चलो इतना हो गया समझ में आ गया, जोड़ घटाओ तो समझ में आ गया, जोड़ घटाओ कब करेंगे हम? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम जोड़ घटाओ करेंगे, और जोड़ने के लिए क्या है, एलिमेंट से एलिमेंट जुड़ जाएगा उसी सेम जगह पे, ठीक है, घटाने के लिए भी वैसे ही है, जो जोड़ का जो है वही घटाने का भी है, और ऑर्डर जो भी सेम गुणा का है। है भाग का, तो इसमें गुणा का सीख गया। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब किसी भी, ट्रांसपोज को हम कैसे दिखाते हैं, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर हम टी छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है, गोल नहीं करते हैं, सिर्फ टी लिख देते हैं, ठीक है, या डैश दे सकते हैं सर, टी, तो इसका क्या मतलब हो गया, हम इसको जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, नहीं नहीं डैश नहीं, टी ही लिखेंगे, टी ऐसा, टी ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज का सीधा सीधा है, ठीक है, ट्रांसपोज में हम कुछ नहीं करते हैं, जो कॉलम है उसको रो में बदल देते हैं, जो रो है वो मतलब जो ऐसे लेटा हुआ है उसको हम सीधा लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो लेटा हुआ है उसको खड़ा कर दो, बोलो भाई क्या हो जाएगा, 2 और 4 लेटा हुआ, क्या 1 2 लेटा हुआ है, ये 1 2 लेटा, जी 2 by 1, अरे जो लेटा हुआ है उसको खड़ा करके लिख दो ना, 1 2, और ये 3 4 लेटा हुआ है तो खड़ा कर दो उसको, 3 4, ये हो गया ट्रांसपोज, खलास, ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज, रो को कॉलम जैसे में चेंज कर दिए सर, हाँ, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, अब ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो
वापस से हमको ए मिल जाएगा, ठीक है, वही आ जाएगा वन सर, बोल भाई, टू फोर, ठीक है। हाँ क्या हुआ, फोर से बोला आवाज नहीं आई? नहीं सर कुछ नहीं, फिर से बोलो भाई, आवाज नहीं आई। इट्स ओके, नो नो प्रॉब्लम सर। समझ में आ रहा नहीं, किसी को डाउट है तो बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं सर डाउट नहीं इसमें सर। उसमें समझ में आ रहा है, तुम्हारा तो पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हो गया, क्या चीज का प्रॉपर्टी हो गया, किसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ट्रांसपोज का, ठीक है। ट्रांसपोज अभी जैसे एक प्रॉपर्टी यहीं पर हम लोगों ने देख ली है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा, मैट्रिक्स ए, ठीक है। अगर किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज में तो क्या हो जाएगा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम वही हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज ये नहीं समझ में आ रहा होगा, ये सेकंड वाला बताते हैं, एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लो कि कोई ए है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब हम के ए मतलब के 4 ए ले लिया, ठीक है। 4 ए क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है। अब 4 ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 4 8 12 और 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम अगर ए का ट्रांसपोज लेके हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेंगे या फिर ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बात बराबर है, ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों बराबर ही आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, सेकंड वाले का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके जब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं और ये ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में ये बराबर ही आएगा, यानी दोनों मैट्रिक्स सेम ही होगा। कैसे होगा सेम, देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिए हैं ये, ठीक है। अभी हम ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 AT को, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, 4 2 8, 4 4 16, दोनों सेम टू सेम है, दिख रहा है, दोनों सेम टू सेम है मैट्रिक्स, यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है सेकंड वाला। समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, नहीं तो बाद में फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बता जब क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग इसके ऊपर, फिर वहां पे बोलोगे कि फिर से समझाइए, बहुत नहीं सर समझ कुछ नहीं है, एक बार और कर दी। हाँ क्या ठीक है, थर्ड देखते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, ये इजी है, ठीक है, इसको हम जब क्वेश्चन में करेंगे ना तो फिर से बता देंगे, ठीक है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें या हम ट्रांसपोज लेके दोनों को जोड़ें, बात एक ही है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब खासियत है, ट्रांसपोज के खास खसूसियात की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। खसूसियात किसके, खसूसियात ट्रांसपोज के, जैसे खासियत होता है ना, जैसे कि कोई आदमी है उसका खासियत है कि हाँ भाई वो बहुत जल्दी याद कर लेता है, ठीक है, या बहुत गुस्से वाला है, तो उसी तरह ट्रांसपोज के खसूसियात की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या खासियत है इसमें, ट्रांसपोज का ये खासियत है, पहला खासियत ये है कि अगर हम किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस से हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये पहला हो गया खासियत। दूसरा खासियत हो गया कि अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेंगे या फिर
उसका ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम आएगा, ये दूसरा खासियत हो गया। तीसरा खासियत हो गया कि अगर हम a प्लस बी को जोड़ के इसका ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके जोड़ें, ठीक है, तो दोनों बराबर होगा, ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया कि अगर हम a इंटू बी करके ट्रांसपोज लें या फिर a का ट्रांसपोज लेके गुणा कर दें b के ट्रांसपोज में, तो भी हमारा ये बराबर होगा, ठीक है। चारों चीजें कुछ भी इसमें अलग नहीं है, जो हमारा माइंड बोलता है वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा माइंड क्या बोलता है, सीधा सीधा बोलता है ना हमारा माइंड, तो ये सब कुछ सीधा ही सीधा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, समझे। ट्रांसपोज की खासियत जो है एकदम हमारे दिमाग के हिसाब से, दिमाग हमारा क्या बोलेगा, यही तो बोलेगा ना कि जोड़ के ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके जोड़ो, सेम आना चाहिए, तो आता है सेम, ठीक है, इसमें अलग से कुछ भी याद करने वाला नहीं है, जो हमारा दिमाग बोलेगा वही होता है इसमें ट्रांसपोज में, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, किसी को पता है सिमेट्री मतलब क्या होता है, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या होता है, सिमेट्री मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, कोई चीज है, है? एक जैसा मतलब के देखने में एक जैसा नहीं है, एक जैसा शेप के, ऐसा शेप के अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो एक ही दिखे, ठीक है। दो ट्रायंगल है सेम टाइप का, अगर इन दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो एक ही ट्रायंगल दिखे, तो इन दोनों को हम बोलेंगे कि दोनों शेप सिमेट्री है। तो ऐसा कोई चीज है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, सिमेट्री है दोनों आपस में, कौन ऐसा चीज है जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं और वो आपस में सिमेट्री होता है, जोड़े में इस्तेमाल करते हैं और दोनों एक दूसरे का सिमेट्री होता है, कौन ऐसा चीज है बताओ, डेली यूज करते हैं हम लोग, कोई उसके बिना रह नहीं सकता, किसी को नहीं पता, ये धीरे धीरे बच्चे कम क्यों होते जा रहे हैं भाई, चार ही लोग बच्चे बाकी सब कहाँ चले गए, सर आंधी उंधी आ रही था सर, कोई नहीं आया था। बोलो भाई आमिल, तुम तो बोलो क्या हो गया तुमको, कितने दिन से गायब थे और जवाब भी नहीं दे रहे आजकल। यस सर, मेरा दिक्कत है, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फ्लैश भी बहुत, इधर रिकॉर्डिंग जाके देख रहे सर, रिकॉर्डिंग आप कर ही नहीं रहे थे, दिक्कत अभी आंधी तूफान आया हुआ है, नेटवर्क पूरा नहीं है उसका। चलो आम को गिरने का टाइम, क्लास में दिक्कत हो रही है, आमिल का कुछ आवाज ही नहीं आ रहा, बोल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। यस सर, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो वो तो बताओ कि, हाँ आ रही है, आ रही है, बताओ ना ऐसा क्या, कौन सा चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो आपस में सिमेट्री है, एक जैसे हैं देखने में, एक के ऊपर एक रखेंगे तो सेम दिखेगा, कौन ऐसी चीज है जो डेली यूज करते हैं हम लोग, बताओ सुफियान, मुबीन, कोई आइडिया? सर स्क्रीन हट गया सर, कोई आइडिया नहीं, वो है हमारा चप्पल, ठीक है। यस सर, यस सर, चप्पल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन हट गया, दिख रहा हो? अच्छा सर नहीं दिख रहा है कुछ, स्क्रीन कैसे हट गया भाई, एक सेकंड एक सेकंड, गलती से दब गया, अभी आ रहा हो, ठीक है। हम जो चप्पल आएगा आएगा दिखेगा दिखेगा, हम लोग जो चप्पल इस्तेमाल करते हैं डेली यूज में, एक चप्पल को दूसरे चप्पल के ऊपर रखोगे तो एकदम छुप जाएगा, एक ही चप्पल दिखेगा, ठीक है, क्या समझे? Yeah.
चल ही नहीं रहते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जब दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होंगे जब एक दूसरे का, अगर ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर वो सेम ही दिखता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है, अगर मैं बोलूं 1 2 1 2, ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 1 2 को ये लेटा हुआ है, इसको खड़ा लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है, ट्रांसपोज सेम आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा कैसा एग्जाम्पल लेंगे तो आ जाएगा 1 2 2 1। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा सर? 1 2 1 by 2 2 by 1 यही आएगा ना, यही तो आएगा। यस सर। तो अभी ट्रांसपोज लेने पे सेम ए आ रहा है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ये मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ में आया? अब स्क्यू मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ठीक है, लास्ट ही है ये, कल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और भी है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बस थोड़ा सा कल और थोड़ा सा थ्योरी होगा, या फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल, और लास्ट में फिर थ्योरी जो बचा होगा लास्ट में फिर कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा थ्योरी पढ़ने पर याद ही नहीं रहेगा कि क्या पढ़े। ठीक है जी सर, बहुत सर से थ्योरी है इसमें, ज्यादा नहीं है, बस हो गया, ज्यादा नहीं है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्यू मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ ए। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं और ये माइनस में आ जाता है, यानी कि सब सारे जो एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, इसका ट्रांसपोज लेने पे -1 -2 -3 -4 ट्रांसपोज लेने पे सेम इसका सिर्फ माइनस में आ जाता है, तो हम इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, ये सबका उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना है, हो सकता है कभी पूछ दे। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है मोनो का। ठीक है जी सर। 12th किया हुआ कौन है इसमें साइंस से? सर आमिल की है खाली। आमिल 12th है, साइंस से, आर्ट्स से ना आमिल? ये सर ये पढ़े हुए सर, साइंस से सर, तो बीटेक पढ़े हुए तो सब एक साल में भूल गए सर, एक साल में भूल गया सर। अरे बीटेक का भरो? यस सर भरेंगे सर। हो सकता है कि बीटेक का भी तैयारी हो, अगर 10 लड़के जुड़ जाएंगे बीटेक वाले तो बीटेक का भी हो सकता है तैयारी होगा। ठीक है ये सर, करवाइए सर। एक तो तुम हो, एक लड़की अभी आई थी चली गई, वो भी है, वो डिप्लोमा ही कर रही है वहां से, मानू से, उसको भी देना है। रमजान का इसलिए सर थोड़ा ढिलाई दी हूँ सर, नहीं कर रहे सेल्फ स्टडी, नहीं कर रहे, रमजान का ढिलाई दी हूँ इसलिए, रमजान में इंशाल्लाह फाड़ देंगे सर। रमजान में ढिलाई नहीं किया था, रमजान में डबल मेहनत किया था सर। पॉलिटेक्निक और बीटेक सर एनर्जी नहीं मिला सर, एनर्जी लॉस हो रहा सर।